नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द मोटर टॉर्शन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बलिनो और डिज़ायर के कुछ ऐसे मेजर इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। पूरे फीचर्स के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ मेजर फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कौन सी गाड़ी किससे ज़्यादा बेटर है और क्यों। तो अगर आप बलिनो और डिज़ायर खरीदने जा रहे हैं तो आपकी कन्फ्यूज़न इस वीडियो में कम्प्लीटली दूर हो जाएगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुने और पूरा सुने। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग जो हैं वो मारुति की गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं। जो सबसे कॉमन बजट है लोगों का रहता है वो है 5 से 8 लाख। तो ऐसे में दो ही गाड़ियां जो है मारुति की ऑप्शन में आती हैं, एक बलिनो और डिज़ायर। इन दोनों ही गाड़ियों को लेके मारुति के जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं। दोनों ही गाड़ियाँ अपने अपने सेगमेंट में बेस्ट सेलिंग कार्स हैं। तो दोस्तों, वैसे तो इन दोनों गाड़ियों में कोई कंपैरिजन नहीं बनता, दोनों ही गाड़ियाँ अलग अलग सेगमेंट की हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों गाड़ियों में कुछ ऐसी चीज़ें कॉमन हैं जो कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। दोनों ही गाड़ियाँ सब 4 मीटर जो है साइज़ में आती हैं। दोनों ही गाड़ियों की जो कंपनी है, जो दोनों ही गाड़ियाँ एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है और दोनों ही गाड़ियों का जो प्राइस है वो लगभग एक सा ही है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करता हूँ, मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स इन दोनों ही गाड़ियों के शेयर करता हूँ जिससे आपकी जो है कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो कि है डिज़ाइन। तो दोस्तों, डिज़ाइन हर पर्सन की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत से लोगों का मानना है कि जो बलिनो है वो डिज़ाइन में थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव है डिज़ायर के कंपैरिजन में। इसका एक रीज़न यह भी है दोस्तों कि डिज़ायर जो है एक सब 4 मीटर सिडान है। एक 4 मीटर यानी कि कम लेंथ साइज़ में एक सिडान को डिज़ाइन करना एक काफ़ी मुश्किल बात है। इसकी वजह से ये गाड़ी एक कंप्लीट सिडान नहीं लगती जैसे कि बाकी की सिडान्स हैं जो कि 4 मीटर से बड़ी हैं। एक बड़ा रीज़न है दोस्तों जिसकी वजह से लोगों को जो इसका डिज़ाइन है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। इसके अलावा दोस्तों, डिज़ायर जब से लॉन्च हुई है, पुरानी जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन और अब थर्ड जनरेशन के टाइम भी डिज़ायर जो है एज ए टैक्सी यूज़ होती है, और कंपनी ने जो थर्ड जनरेशन जो डिज़ायर थी 2017 में लॉन्च हुई थी, ये अपना जो है क्लेम किया था कि डिज़ायर को हम टैक्सी में नहीं सेल करेंगे, लेकिन अभी भी यह गाड़ी काफ़ी टैक्सी में जो है यूज़ होती है, जिसकी वजह से लोगों का एक माइंड सेट है कि डिज़ायर एक टैक्सी की तरह काफ़ी यूज़ होती है। वहीं बात करें बलिनो की, तो बलिनो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। उसका रीज़न यह है कि बलिनो दिखने में एक विड्थ में भी बलिनो का जो साइज़ है वो बड़ा है और दिखने में काफ़ी बल्की लगती है। उसका एक रीज़न ये है कि इसके जो टायर साइज़ है वो भी जो है डिज़ायर से बड़ा है। इसका जो व्हील साइज़ है वो हमें सिग्मा वेरियंट से ही 15 इंचज़ जो है व्हील साइज़ मिलता है, और इसमें हमें टॉप वेरियंट में 16 इंचज़ के जो है व्हील साइज़ देखने को मिलता है और टायर साइज़ भी बड़ा देखने को मिलता है, जिसकी ये वजह से ये गाड़ी जो है दिखने में थोड़ी बल्की लगती है। इसके अलावा बलिनो में हमें सेकंड वेरिएंट से यानी कि डेल्टा वेरिएंट से ही प्रोजेक्टर हेडलाइट्स देखने को मिल जाती है, जिसके साथ हमें जो है डे टाइम लाइट्स भी देखने को मिलती हैं। डिज़ायर की बात करें तो डिज़ायर में हमें यानी कि ZXI वेरिएंट, थर्ड वेरिएंट तक भी हमें जो है हेलोजिन लाइट्स देखने को मिलती हैं, जो डिज़ाइन में उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी कि प्रोजेक्टर हेडलाइट्स। इसके अलावा दोस्तों, अगर डायमेंशंस की बात कर ले तो डायमेंशंस में जो है दोनों ही गाड़ियाँ बिल्कुल सेम है, हालांकि बेलिनो जो है विड्थ में 10 mm डिज़ायर से थोड़ी ज़्यादा है। इनसाइड कैबिन स्पेस की बात करें तो बेलिनो में हमें जो कैबिन स्पेस है वो डिज़ायर से ज़्यादा मिल जाता है, और अगर हम रियर की बात करें तो रियर में डिज़ायर की सबसे बड़ी कमी ये है दोस्तों कि डिज़ायर में 3 जो है एडल्ट पीछे बिल्कुल भी कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते हैं। उसका एक रीज़न यह है दोस्तों कि डिज़ायर की जो पीछे की सीट्स हैं वो दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी बेंड है, हल्की हल्की मुड़ी हुई है, क्योंकि ये गाड़ी एक सिडान है तो इसको सिडान की फील देने के लिए इस गाड़ी की जो रियर सीट्स है उनको दोनों साइड से थोड़ा बेंड किया हुआ है ताकि इसमें दो लोग काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकें। तो अगर आप फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो पीछे 3 बिल्कुल भी कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते। वहीं अगर बात करें बलिनो की, बलिनो डिज़ायर से विड्थ में भी 10 mm ज़्यादा है, और इसकी जो पीछे की सीट्स हैं वो भी बिल्कुल मुड़ी नहीं हुई हैं, बिल्कुल भी बैंड नहीं है, जिसकी वजह से बलिनो में जो है 3 एडल्ट्स बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तो ये थी डिज़ाइन और स्पेस की बात। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के वेरियंट्स के बारे में, दोनों ही गाड़ियों के वेरियंट्स के फीचर्स को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बलिनो के सिग्मा और डिज़ायर के LXI मॉडल से।
तो दोस्तों दोनों ही गाड़ियों की जो प्राइस डिफरेंस है वो है 15,000, लेकिन फिर भी यहाँ बलिनो में हमें कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि डिज़ायर में नहीं है। एक तो बलिनो की जो फ्रंट सीट्स है वो उनका हमें हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल मिल जाता है, तो जिनकी हाइट 6 फीट है या हाइट के अकॉर्डिंग वो जो है हेडरेस्ट को एडजस्ट कर सकता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें डिज़ायर की, तो डिज़ायर में ये फीचर हमें नहीं मिलता, हमें वही ऑल्टो वाली जो है सीट्स देखने को मिलती हैं, जिससे हमें अपना जो हेडरेस्ट है वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाते। और दूसरी बात ये कि दोस्तों हमें बलिनो में जो फ्रंट की पावर विंडोज़ मिल जाती है, लेकिन डिज़ायर में हमें चारों की चारों विंडो मैनुअल देखने को मिलती हैं। दोस्तों यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि कंपनी जो है मैनुअल विंडो को पावर विंडो में कन्वर्ट कर देती है, जिसके लिए वो एक 6,000 पर विंडो के हिसाब से चार्ज करती है। तो दोस्तों जिन लोगों का बजट थोड़ा कम है, जो बेस वेरिएंट खरीदना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी बात है कि बलिनो के बेस वेरिएंट में भी हमें ये इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं जो कि डिज़ायर में नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बलिनो के डेल्टा मॉडल की और डिज़ायर के VXI VDI मॉडल की। तो सबसे पहला फीचर जो हमें बलिनो में एक्स्ट्रा मिल जाता है वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यानी कि हमें इसमें जो है AC एडजस्टेबल मिल जाता है। AC का टेम्परेचर जो है हम वो अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, जिसके बाद जब वो टेम्परेचर अचीव हो जाएगा तो AC का कंप्रेशर है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारे घर के AC की तरह काम करता है। जब भी जो है कार के कैबिन का टेम्परेचर सेट हो जाएगा, उसके बाद जो है गाड़ी का जो AC का कंप्रेशर है वो ऑफ हो जाएगा, जिससे इंजन को कम काम करना पड़ेगा और जो है माइलेज जो है AC में वो अच्छी मिलेगी। वहीं बात करें डिज़ायर की, तो डिज़ायर में हमें ये फीचर नहीं मिलता। डिज़ायर में जब तक AC ऑन रहेगा तब तक जो है कंप्रेशर बिल्कुल ऑन रहेगा और उतना ही टाइम जो है इंजन को कंटिन्यूसली एक्स्ट्रा जो है काम करना पड़ेगा। इसके अलावा बलिनो डेल्टा में हमें इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिरर मिल जाते हैं, जो अपने आप में एक काफ़ी प्रीमियम फीचर है जो डिज़ायर में हमें देखने को नहीं मिलता। वहीं बात करें डिज़ायर की, तो डिज़ायर में हमें रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं जो हमें बलिनो में देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा बात करें जीटा मॉडल की और डिज़ायर के ZXI वेरियंट की, तो जीटा वेरियंट में हमें मिल जाता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और GPS इनबिल्ट। और वहीं बात करें टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग की, तो वो हमें जीटा वेरिएंट में मिल जाता है देखने में बलिनो में, लेकिन ये सब हमें ZXI डिज़ायर में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। डिज़ायर में हमें टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। और इस फीचर का दोस्तों फ़ायदा ये है कि अगर आपकी हाइट 6 फीट है या इससे ज़्यादा है, तो आप बड़े ही अच्छे से कंफर्टेबली बैठ के गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। टेलीस्कोपिंग स्टीयरिंग से हम स्टीयरिंग को जो है बाहर की तरफ पुल कर सकते हैं और गाड़ी को बड़े कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ड्राइवर आर्मरेस्ट भी देखने को मिलता है, जिसके साथ हमें थोड़ा सा स्पेस भी मिलता है, जो कि हमें डिज़ायर में देखने को नहीं मिलता। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम कंक्लूजन की। तो दोनों ही गाड़ी अपने अपने सेगमेंट में बेस्ट हैं, लेकिन अगर हम बात करें वैल्यू फॉर मनी, तो यहाँ बलिनो में हमें कुछ ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं और वहीं जो इसका प्राइस है वो भी डिज़ायर से थोड़ा कम है। तो जिन लोगों को बीच इंटीरियर्स पसंद है, डिज़ायर लुक्स में ज़्यादा अच्छी लगती है, रियर AC वेंट्स चाहिए, तो वो लोग डिज़ायर जो है ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के लिए ये फीचर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं रखते, वो लोग बलिनो ख़रीद सकते हैं। दोस्तों ये था दोनों गाड़ियों के बीच में कंपैरिजन। तो आपकी क्या राय है इन दोनों गाड़ियों को लेके, हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए ये 3 चीज़ें करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएँ, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद नहीं आई, तो आप हमारे लिए कमेंट में ज़रूर मेंशन करें और हमें एक फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हम अपनी जो वीडियो को और चैनल को इम्प्रूव कर सके। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।